श्री जेवीएन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान एसोसिएट प्रोफेसर एफईएम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, प्रोग्राम नेम एमएससी मैथमेटिक्स, कोर्स नेम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड सेशन ऑफ टुडे इज न्यूटन रैप्सन मेथड। इंट्रोडक्शन। एज वी नो फ्रॉम स्कूल डेज एंड स्टिल वी हैव स्टडीड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन एंड पॉलीनोमियल इक्वेशन एंड हैविंग रूट्स इन फॉर्म ऑफ एक्स यूज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट अपॉन टू ए वेयर ए बी सी आर द कोफिशियंट ऑफ इक्वेशन। बट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर्मूलाज फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। हैंस टू रिमूव दीज डिफिकल्टीज देयर आर फ्यू न्यूमेरिकल मेथड्स, वन ऑफ देम इज न्यूटन रैप्सन मेथड। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड करने के मेथड्स पढ़ चुके हैं। चाहे इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, हम उसको फॉर्मूले मेथड से या फैक्टर मेथड से सॉल्व करते थे। यदि क्यूबिक इक्वेशन हो, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते थे, फिर फैक्टराइज करते थे, उसके बाद उसका रूट फाइंड करते थे। सपोज कीजिए, अगर आपके पास कोई हायर ऑर्डर इक्वेशन है, हायर डिग्री इक्वेशन है, और उसमें कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी है, ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूले हम अभी तक उपयोग करते रहे उनके माध्यम से उसका रूट फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए नया मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड है, जो कि हायर ऑर्डर इक्वेशंस और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस सभी में उपयोगी है और रूट फाइंड कर सकता है। न्यूटन रैप्सन मेथड इज ए न्यूमेरिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू फाइंड द रूट ऑफ एलजेब्रा एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। एलजेब्रिक इक्वेशन आर गिवन हियर, दैट इज पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन यूज इक्वल टू जीरो, एक्स टू द पावर एट माइनस वन यूज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव यूज इक्वल टू जीरो। इन इक्वेशन को हम प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करते हैं फैक्टर मेथड्स, रिमाइंडर थ्योरम और फॉर्मूला मेथड से। लेकिन जब हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाते हैं, जिनमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, इस प्रकार की वैल्यूज़, इस प्रकार की फंक्शंस अगर हमारे इक्वेशन में हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीवियस मेथड से उसके सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते, फिर हमको उसमें न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कुछ इक्वेशन आपके समक्ष दिए हुए हैं, वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, और अगर पॉलिनोमियल के साथ में इस तरह के फंक्शंस भी आते हैं तो उनको फाइंड करने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत उपयोगी मेथड है। ये न्यूटन रैप्सन मेथड्स का ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। एफ एक्स कोई ग्राफ है, और किसी भी ग्राफ एफ एक्स का जो टेंजेंट है, वो उस ग्राफ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट दिख रही है, जो ब्लैक है, वो एफ डैश एक्स है। अगर ये ग्रीन जो हमको कर्व दिख रहा है, ये अगर कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन की टेंजेंट, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, वो उसकी टेंजेंट है, और टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज ए स्लोप दैट वाज टेन थीटा और एफ डैश एक्स। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। सो वी हैव ए इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सपोज दिस इक्वेशन इज गिवन, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम स्लोप फाइंड करते हैं, और स्लोप कुछ नहीं, स्लोप टेन थीटा होती है, जो उसकी इंक्लिनेशन है, जो प्रवणता है, जो झुकाव है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो टेन थीटा क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका मतलब एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स जीरो दैट वाज जीरो अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन यूज इक्वल टू एफ डैश एक्स आई। ये किसी भी ग्राफ के लिए टेंजेंट है। फ्रॉम हियर वी गेट एफ डैश एक्स आई यूज इक्वल टू एफ एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, और
फाइनली एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव सक्सेसिवली रीच टू द फाइनल सॉल्यूशन. सो एल्गोरिथम ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड इज इफ वी हैव एनी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एफ डैश एक्स सिंबॉलिकली. चूज एन इनिशियल गैस एक्स जीरो एज गिवन बिलो. लेट ए बी बी एनी इंटरवल सच देट एफ इज लेस देन जीरो एंड एफ बी ग्रेटर देन जीरो. देन एक्स जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू. देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो. सिमिलरली एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन. देन बाई रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव डॉट 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 एक्स आई प्लस वन. Then we will stop. Hence, xi will be the required root of the given equation. Another method for finding the root through Newton-Raphson method, we have equation fx is equal to 0. X0 be the approximated root in the given equation. Let x0 plus h be the actual root. x0 plus h is the actual root. It means fx 0 plus h is equal to 0. So, expanding with the help of Taylor series, this is the expansion of Taylor series. fx 0 plus h is equal to fx 0 plus hf dash x 0 plus h square upon factorial 2 f dash x 0 plus h cube upon factorial 3 f triple dash x 0 dot 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 similar. Now, on neglecting higher power of h, it is because h is very small thing. So h square more small thing, h cube more small thing, these are negligible. If any number is very less, then its square and higher order more less, then we have neglect the higher order term, and lower order term fx0 and f dash x0 will be remaining. So h is equal to minus fx0 upon f dash x0. Hence approximation x1 is equal to x0 plus h. So putting the value of h, that was fx0 upon f dash x0. Second approximation will be x2 is equal to x1 minus fx1 upon f dash x1. On repeating this, we get xn plus 1 is equal to xn minus fxn upon fxn. This is the required Newton-Raphson method. Suppose we have this polynomial and checking the initial point f1 is equal to minus 6, f2 is equal to minus 1, f3 is equal to 16. Hence, root lies between 2 to 3. It is because at the value of 2 it gives negative, at the value of 3 it gives positive. It means roots lies between 2 and 3. So initial point is the average of this 2.5. so by using the NRM formula, putting these value in this formula, and we get the approximation given here, or more approximation. This process is continue until approximation equalize. So when this approximation became equal, then method is stops. कहने का आशा ये है कि हम इस approximation को जब तक करते जाएंगे जब तक कि approximation repeat नहीं हो जाए. इसका मतलब अब और आगे इसके एप्रोक्सीमेशन की आवश्यकता नहीं है. फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं. ये इसको फाइंड करने का प्रोसीजर है. वी आई होप यू विल सेटिस्फाइड विद दिस सेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट. थैंक यू वेरी मच.